हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीवी दुनिया की चटपटी और हॉट गॉसिप। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 17 साल बाद टीवी पर सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर का होगा आगाज। 2018 के नंबर वन विलन की भी वापसी होगी। जी हाँ, एकता कपूर के सुपरहिट शो कसौटी जिंदगी की 2 का आगाज होगा। एरिका फर्नांडिस इस शो में प्रेरणा की भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में इस शो के प्रोमो की भी शूटिंग हो चुकी है, जिसकी पहली झलक अभी आना बाकी है। वैसे आपको याद ही होगा कि प्रेरणा के अलावा इस शो के 2 और भी किरदार है, एक अनुराग और दूसरा है कोमलिका। अनुराग का किरदार कौन निभाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं मिली, लेकिन कोमलिका के नाम से पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कसौटी जिंदगी के दूसरे सीजन में वरुण सोपती या फिर शरद मल्होत्रा में से कोई एक अनुराग बासु का किरदार निभाएगा। वही सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मधुरिमा तोली कोमलिका का किरदार निभाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे पहले कोमलिका का किरदार उर्वशी ढोलकिया ने निभाया था। वही कसौटी जिंदगी के दूसरे सीजन में मधुरिमा तोली कोमलिका का किरदार निभाएंगी। क्या कोमलिका के किरदार में आप मधुरिमा को देखना पसंद करेंगे? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सीरियल कुल्फी कुमार बाजीवाला में 10 साल का लीप आएगा। इसके साथ हमने आपको ये भी बताया कि 10 साल बाद कुल्फी दिखेगी बड़े अवतार में। जबकि कुल्फी के इस अवतार के लिए किसका चेहरा होगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। खैर, इस रिपोर्ट में हम आपको उन 4 चेहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दर्शक बड़ी कुल्फी के अवतार में देखना चाहते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अदिति राठौर का, जिसे फेमस टीवी सीरियल नामकरण में अवनी के तौर पर देखा गया। उसके बाद नाम आता है अंकिता लोखंडे का, जबकि फैंस की तीसरी डिमांड है हीना खान। हीना खान को ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा गया था। वही दर्शकों की चौथी पसंद है निया शर्मा। खैर, ये 4 नाम है फैंस की पसंद। आप किसको देखना पसंद करेंगे ये हमें जरूर बताइए। कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर है के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में सीरियल की मुख्य नायिका यानी कि अंगूरी भाभी का मर्डर होगा। बहरहाल, आप इस यकीन पर पहुंचे उससे पहले हम आपको बता दे कि शो में आया ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स असलियत में नहीं बल्कि विभूति जी के सपनों में घटने वाला है। विभूति नारायण मिश्रा को एक गंभीर सपना आएगा, जिसमें वो अंगूरी भाभी जी को मरने से बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब तब शुरू होता है जब वो पीले रंग की रेनकोट और एक ब्लैक टोपी पहने शख्स को देखते हैं, जो कि प्यारी अंगूरी भाभी को गोली मारने वाला होता है। विभूति जी के सपनों में अंगूरी भाभी जी पूरी तरह से डरी हुई नजर आएंगी, जिसके चलते विभूति जी हो जाएंगे परेशान। विभूति जी आने वाले एपिसोड में पूरी तरह से जासूस की तरह पेश आएंगे और अपने चारों ओर रहे व्यक्ति पर शक करेंगे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी अनीता भाभी पर भी शक करने से गुरेज नहीं करते। इसके बाद विभूति जी अंगूरी भाभी को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाएंगे। क्या विभूति जी अपने सपने को सच मानकर अंगूरी भाभी को बचा पाएंगे, ये तो शो के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सीरियल बेपनाह में ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए हो जाइए तैयार, जहाँ 6 महीने बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि शो के लीड कैरेक्टर जोया और आदित्य एक नए अवतार में दिखेंगे। जी हाँ, 6 महीने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे आदित्य और जोया, जबकि इन दोनों ने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आने वाले एपिसोड में फुल ऑफ ड्रामों से भरा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जबकि एक नदी किनारे जोया और आदित्य एक दूसरे को मिलते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर मंडप में जोया का हर कोई इंतजार कर रहा होगा और वो एक दुल्हन के लिबास में नजर आएंगी। वहीं मंडप पर आने के बाद जोया कबूल है भी बोलेगी। अब आपको जोया का दूसरा निकाह देखने को भी मिलेगा। अब शो में कौन सा नया ट्रैक आता है और जोया और आदित्य की कहानी क्या मोड़ लाती है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर, ये थी टीवी दुनिया की आज की कुछ खास खबरें। इस पर आपको क्या लगता है ये आप हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट्स करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब करिए।